gets it, but doesn't time it. Oh, what a catch this is. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम और शान मसूद ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। मुकम्मल तफसील से आप लोगों को आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो बड़े मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर इनेबल कर देनी है। तो चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त तय किए आपको बताते चले कि बांग्लादेश टीम ने पहली इनिंग में 233 रन बनाए और उसकी पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। 233 के जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद और आबेद अली ओपनिंग करने आए। पाकिस्तान के मजमू स्कोर 2 रन पर आबेद अली बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तान का दूसरा खिलाड़ी 93 रन पे आउट हुआ, जिसमें कप्तान अजहर अली 34 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम और शान मसूद ने क्लासिकल बैटिंग का मुजाहरा किया और दोनों ने सेंचुरियां मुकम्मल की। पाकिस्तान के मजमू स्कोर 205 पे पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ। आउट होने वाले खिलाड़ी थे शान मसूद। शान मसूद ने एक सेंचुरी मुकम्मल की। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि बाबर आजम और शान मसूद ने मुसलसल 2 मैचेस में मुसलसल सेंचुरियां कर रखी हैं। वाजे रहे कि आखिरी टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ कराची में खेला गया था, जिसमें शान मसूद और बाबर आजम ने सेंचुरियां स्कोर की थी और आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ भी दोनों बल्लेबाज सेंचुरियां मुकम्मल करने में कामयाब रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। मिलता हूं किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगेबान।